सन 1933 अमेरिका का वह समय जिस वक्त जॉन डिलिंगन नाम का शख्स जो था एक गैंगस्टर पूरे देश के नाक में दम करके रखे थे। उसके ऊपर 30 साल की उम्र में 24 बैंक तथा 4 पुलिस स्टेशन लूटने का आरोप था। उसे कई बार कैद किया गया जिसमें से भागने में कामयाब हुआ 2 बार। उस पर अमेरिका के ही शहर पूर्वी शिकागो के पुलिस अधिकारियों की हत्या करने का आरोप लगा। उसके दहशत का इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता था। इस हत्या के बाद भी उसे दोषी ठहराया नहीं जा सका। During the Great Depression, John Herbert Dillinger led the Dillinger Gang, which was accused of robbing 24 banks and 4 police stations. John Dillinger's Tommy gun. The outlaw had left it behind that summertime night when he came to the Biograph Theater on Chicago's North Side. Karen, 2 relatives of the Depression-era desperado now say it may not have been Dillinger who was gunned down by G-Men on July 22, 1934. कहानी की शुरुआत हुई 1933 से, जहां जॉन डिलिंगर को लाया जा रहा है अमेरिका के शहर पूर्वी शिकागो के इंडियाना के एक जेल में, जिसके साथ है उसका साथी भी। यहां जॉन जेल में जा रहा है जानबूझकर, ताकि जेल में जाकर अपने बाकी साथियों को छुड़ा सके। उसके इस प्लान में बाकी साथी भी तैयार हैं, क्योंकि उनका प्लान चल रहा था काफी समय से। ये चोरी करके लिए हुए है गन को अपने पास। जॉन जैसे ही अंदर गया, सभी अपना गन बाहर निकालें, एक एक करके सभी पुलिस वालों को गन पॉइंट पर ले लिए। लेकिन जब उनका सीनियर वहां पहुंचा, तो जॉन को पहचान गया। वह समझ चुका है ये सब है इनकी चाल, लेकिन अब कोई फायदा नहीं। सारे कैदी काबू पा चुके थे इन गार्ड पर। ये सबसे पहले पुलिस वालों का ड्रेस खुद पहनना शुरू किए, ताकि बाहर जाकर इन्हें कोई पहचान न सके। पर इनमें से कुछ लोग कुछ ज्यादा ही हरामी थे, कुछ सिपाहियों को मारने लगे। उनमें से एक तो गुस्से में आकर एक को शूट कर दिया, यही इनकी सबसे बड़ी गलती थी। गोली की आवाज़ बाहर मौजूद गार्ड भी सुन लिए। ये जैसे ही बाहर आए, जैसा कि इन्होंने ड्रेस को चेंज कर लिया था, इसके बावजूद भी गार्ड इन्हें पहचान लिए। दोनों तरफ से अंधाधुंध फायरिंग होने लगी। आखिरकार जॉन के लोग भागते हुए फायरिंग के बीच पहुंच गए गाड़ी के पास, पर इस फायरिंग में उनके एक आदमी को लग गई गोली। इसके बावजूद जॉन उसे अकेला छोड़कर जाने को तैयार नहीं, उसका हाथ पकड़ लिया। जब उन्हें लगा कि इसका बचना पॉसिबल नहीं, तो जॉन उसका हाथ छोड़ दिया। इधर ये लोग जेल से फरार हो चुके थे, तो दूसरी तरफ ओहाओ शहर में इन्हीं की तरफ प्रिटी बॉय नाम का एक गैंगस्टर, वह भाग रहा है एक FBI एजेंट से बचकर। FBI एजेंट पूरी कोशिश कर रहा है उसे रोकने की, कहने लगा कि सरेंडर कर दो, लेकिन वह रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, इसलिए उसे गोली चलानी पड़ी। पर वह हर हमले से बचता रहा, लेकिन ज्यादा समय तक वह भाग नहीं पाया। कुछ देर भागने पर उस अपराधी पर निशाना लगाया, निशाना सही जगह लगा, वह वहीं के वहीं गिर पड़ा। इधर यह गैंगस्टर मारा जा चुका था, तो दूसरी तरफ जॉन अपने साथियों के साथ पहुंचा शिकागो शहर, क्योंकि वहां छुपने में उनकी मदद करने वाला है एक पुलिस वाला, जो कर रहा है उनकी मदद पैसे के लिए, जिसका नाम है मार्टिन। यहां जॉन की मदद करने के लिए है कई लोग, पर उसका जो अगला कदम होने वाला है उसमें मदद करेगी एक औरत जो स्मगलिंग करती है बंदूक तथा गाड़ियों का, क्योंकि जॉन का प्लान है किसी बहुत बड़े बैंक को लूटना। इनका खतरनाक सफर शुरू होता है। अब जॉन उसे पैसा देकर गाड़ी तथा गन को खरीद लिया, जो गाड़ी चलती है बहुत तेज। अगली सुबह जॉन अपने साथियों के साथ बैंक में आखिरकार पहुंच गया, जहां पहुंचकर हथियार की मदद से सभी को कंट्रोल में लिया। जब सभी कंट्रोल में आ गए, तो वह पहुंचा बैंक मैनेजर के पास। बैंक मैनेजर भी डर के मारे उन्हें लॉकर तक ले गया, जहां ये सारा का सारा पैसा बैग में रखने लगे। इस बीच बैंक मैनेजर थोड़ी सी होशियारी दिखाने लगा, मगर जॉन के सामने उसकी एक न चली, कान के नीचे एक लगाया। डर के मारे मैनेजर वैसा ही किया जैसा इन्होंने कहा, पर इन्हें नहीं पता इसकी खबर पुलिस को मिल चुकी है। पुलिस पहुंचने ही वाली है बैंक के सामने। जब पुलिस पहुंची बैंक के सामने, तो दरवाजे पर जॉन का एक आदमी था निगरानी के लिए। एक पुलिस वाला जैसे ही पहुंचा दरवाजे के सामने, वह गन छीनकर उसे मार दिया। आखिर में जितने भी पुलिस वाले गाड़ी के पास थे, उस पर फायरिंग करने लगे। अब तो जॉन भी बैंक लूटकर आ चुका था बाहर। वह अपने साथियों के साथ बैंक मैनेजर तथा एक लड़की को भी पकड़ा है, ताकि पुलिस वाले उस पर गोली न चलाएं। हुआ भी कुछ ऐसा ही, जॉन के पास 2 लोगों को देखकर फायरिंग करना रोक दिया गया। इस तरह ये सही सलामत गाड़ी में बैठकर वहां से हो गए 9:10। लेकिन इन्हें इतनी आसानी से पुलिस वाले छोड़ने वाले नहीं थे, उनका पीछा करने लगे। पर इन्हें नहीं पता अब वह उनके हाथ लगने वाले नहीं। उन पर फायरिंग भी की गई, मगर कोई फायदा नहीं, वे लोग भागने में कामयाब हुए। ये वहां से निकलकर सीधा एक जंगल में पहुंचे, जो इलाका है सुनसान। वहां पहुंचने पर अपने साथ लाए हुए लड़की तथा बैंक मैनेजर को पास के पेड़ में बांध दिए। इधर ये बैंक लूटने में कामयाब हुए, तो दूसरी तरफ वाशिंगटन शहर में हैमिल्टन नाम का एक शख्स अपनी FBI कंपनी के लिए गवर्नमेंट से लोन लेने की दरखास्त कर रहा है। दरअसल उसकी कंपनी काम करती है अपराधियों को पकड़ने का, पर गवर्नमेंट उसे लोन देने से साफ मना कर दी, क्योंकि जब हैमिल्टन से पूछा गया, अब तक तुमने पूरे जीवन में कितने लोगों को अरेस्ट किया, एक भी नहीं ना। कंपनी के लिए फंड न मिलने पर वह काफी गुस्सा हुआ, कहने लगा अब मैं वह करूंगा जो आज तक किसी ने नहीं किया। अब उसका मकसद एक ही है, जॉन को पकड़ना, जो काफी पॉपुलर था 19वीं सदी में। इस मिशन को पूरा करने से पहले मीडिया के सामने अनाउंसमेंट किया, हमारी कंपनी जल्द ही जॉन डिलिंगर को पकड़ लेगी।
इधर सभी लोगों को पकड़ने की फुल तैयारी में लग गए सभी लोग, तो दूसरी तरफ जॉन रेस्टोरेंट में है जहां उसकी मुलाकात हुई बेली नाम की लड़की से। आज का डिनर वह उसी के साथ किया, दोनों में काफी सारी बातें हुई। इस बीच वो अपनी सारी बातें बता दिया उसे। वह करता है बैंक रोबरी, देश का सबसे बड़ा दुश्मन इस वक्त कोई है तो वह है खुद। इधर जॉन को एक और साथी मिल चुकी थी, तो दूसरी तरफ हिमंटल की टीम के तहकीकात के दौरान उन्हें मिला जॉन का कोट, जो कोट मिला था उन्हें उसी लड़की से जिस लड़की को वह बैंक रोबरी के दौरान जंगल में बात दिए थे। अब उसी कोट की मदद से पता लगाया जाएगा आखिर यह कोट खरीदा कहां से गया है। इस तहकीकात के दौरान उन्हें उस गाड़ी के बारे में पता चला जिस गाड़ी की मदद से वे किए थे बैंक रोबरी। उस गाड़ी के जरिए उन्हें एक घर का पता मालूम पड़ा, इन्हें लगा जरूर वह वहीं पर होगा। उसे पकड़ने के लिए निकल पड़े घर की तरफ, लेकिन जब वे वहां पर पहुंचे तो जॉन उन्हें नहीं मिला बल्कि एक दूसरा आदमी मिला, लेकिन ये उस आदमी को पहचान नहीं पाए कि यह आदमी है उन्हीं का। सब लोग वहां से जाने ही वाले थे। उस शख्स को लगा कहीं ये मुझे पकड़ न ले, इसलिए उनकी एक आदमी को मारकर वहां से हो गया 9-11। इन्हें अपनी गलती का बहुत ही पछतावा हुआ कि वह उनके सामने था, वो उसे पकड़ नहीं पाए। इधर इनके हर मुमकिन कोशिश करने के बाद जॉन उन्हें नहीं मिला, तो दूसरी तरफ जॉन लगातार एक एक करके लूट रहा है सारे बैंक को। इस बैंक रोबरी में उसे रोकने वाला कोई नहीं, यह बैंक को पूरी तरह से खाली करने में कामयाब होते रहे। इस तरह एक एक बैंक लूटे जाने से हिमिल्टन बहुत ही परेशान होने लगा। अब तो पब्लिक भी सवाल उठाने लगी, तुम्हारी कंपनी क्या कर रही है, तुम तो बड़े बड़े वादे किए थे तुम जॉन को पकड़ लोगे। वह बहुत ही परेशान होने लगा क्योंकि वह अपनी FBI कंपनी को बनाना चाहता था, बहुत बड़ी कंपनी। आगे की चाल चलने के लिए वो अपने एक आदमी मेलविन को फोन किया। मेलविन वही ऑफिसर है जो गया था जॉन को पकड़ने, मगर पकड़ नहीं पाया। वह उस पर काफी गुस्सा हुआ, लेकिन वह कहने लगा इसमें तुम्हारे ऑफिसर्स की ही गलती है, अब जैसा मैं कहूंगा वैसा ही होगा, मुझे जिन ऑफिसर्स की जरूरत पड़ेगी मुझे वही चाहिए होंगे। दोनों में सहमति बन गई। अगली सुबह मेलविन बेहतरीन तथा अनुभवी ऑफिसर्स को शिकागो शहर से बुलाया, जिसे लेने के लिए वह खुद गया रेलवे स्टेशन। इधर ये लोग जॉन को पकड़ने की पूरी रणनीति में लग गए, तो दूसरी तरफ जॉन इस खतरे से अनजान है, अपने साथियों के साथ मजे ले रहा है, देख रहा है घोड़ों का रेस। पर अभी भी चल रहा था उसके दिमाग में एक अलग ही प्लान, उसकी आगे की प्लानिंग क्या होगी किसी को कोई अंदाजा नहीं। पर उन्हें इस बात का भी खबर नहीं कि खतरा बढ़ने वाला है, इन्हें पकड़ने के लिए फुल प्लानिंग हो रही है। शाम के टाइम जॉन जब होटल में गया, होटल वाला इसके बारे में तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया। खबर मिलते ही पुलिस वहां पहुंच गए, इस बार ये कोई गलती नहीं किए। पुलिस जॉन तथा उसके साथियों को अरेस्ट कर ली, उसे घसीटकर गाड़ी में ले जाया जाने लगा। ये सब होता हुआ देख रही थी बिली भी, पर वह कुछ नहीं कर सकती थी ये सब देखने के सिवाय। अब जॉन है जेल में, पुलिस कार्रवाई शुरू कर दी। ये खबर फैल चुकी थी पूरी कंट्री में, जॉन हो चुका है गिरफ्तार। पर यहाँ जॉन की पॉपुलैरिटी कम नहीं थी किसी फिल्म स्टार से। जब उसे दिखाने के लिए पब्लिक के सामने लाया गया, तो पब्लिक बेताब थी उसी एक झलक देखने के लिए। कुछ समय तक जॉन को भीड़ के बीच में ही रखा गया, फिर दोबारा से उसे ले जाकर जेल की सलाखों के पीछे कर दिया गया। लेकिन जॉन शांत बैठने वाला नहीं था, यहाँ पर भी उसका लॉयर मिलने आया। ये दोबारा से अपने अगली प्लानिंग में लग गए। अगले दिन उसे कोर्ट में पेश किया गया इस बात के फैसले के लिए कि उसे किस जेल में रखा जाए, इसी जेल में या किसी दूसरे जेल में शिफ्ट किया जाए। उसका लॉयर जज के सामने यही बातें किया, यही जेल ठीक होगा, इसे अलग अलग जेल में ले जाने में प्रॉब्लम होगी। जज भी यही फैसला किया, पर इन्हें नहीं पता यही तो है जॉन का प्लान, वो रहना चाहता है इसी जेल में ताकि उसे लॉयर के साथ मिलकर अपनी अगली चाल चलने में आसानी हो। हुआ भी कुछ ऐसा ही। अगले दिन उनमें से एक आदमी एक ऑफिसर को पकड़ कर ले गए दरवाजे के सामने। हथियार की नोक पर दरवाजा खोलने के साथ बाकी सारे हथियार कहाँ है इसका भी पता पूछने लगा। इसी के साथ जॉन के बाकी साथी भी आ चुके थे जेल से बाहर। पिछली बार की तरह इस बार भी ये सेम चाल चले, मगर पिछली बार की तरह गोली नहीं चलाए, इसलिए बाहर मौजूद सिपाहियों को इसकी जरा भी भनक नहीं पड़ी। उसके लोग इस बार ड्रेस अच्छी तरह से चेंज करके शांति से बाहर आए और उन्हीं के गाड़ी को लेकर वहां से हो गए 9-11। सिपाही उन्हें देखते ही रह गए, मगर कुछ नहीं कर पाए, उन्हें जरा भी भनक नहीं पड़ी। जेल से कुछ किलोमीटर दूर जाने के बाद जॉन बिली को फोन किया। जॉन के जेल में जाने के बाद वह भी थी सदमे में। दोनों में बात हुई तो जॉन कहने लगा मैं जल्द ही आ रहा हूँ तुम्हारे पास, लेकिन बिली को अभी भी लगता है तुम यहाँ नहीं आ पाओगे, शहर की सारी पुलिस फोर्स पड़ी है तुम्हारे पीछे, वे जरूर मुझ पर नजर रखे होंगे, खतरे से खाली नहीं है तुम्हारा यहाँ आना। पर जिसका डर था आखिर में वही हुआ। इन दोनों की बातें सुनी जा रही थी मोबाइल नेटवर्क के जरिए। अब FBI एजेंट के लोग भी अपना प्लान बनाना शुरू कर दिए, ये दोनों जैसे मिलने जाएंगे ये उन्हें जाकर पकड़ लेंगे, ये उन्हें भागने नहीं देंगे, इस बार पकड़ कर ही रहेंगे। इधर ये अपनी चाल चलने की तैयारी में है, तो दूसरी तरफ जॉन बिली से मिलने से पहले मिला अपने खास आदमी से, उससे मदद मांगने लगा, लेकिन वो उसकी मदद करने को तैयार नहीं हुआ। पर उसके पास अभी भी मौजूद है कई सारे लोग जो उसकी मदद करने को तैयार होंगे। वो अपने अगली प्लानिंग के साथ मूवी थिएटर में भी गया, जहां उसकी मदद करने के लिए कई लोग मिलने के लिए आए। इस बार भी इनका प्लान है बैंक रोबरी का, ये तीसरी बार बैंक रोबरी करने के लिए निकल पड़े, पर इन्हें नहीं पता
FBI एजेंट पहले से मौजूद होगी इन्हें पकड़ने के लिए, क्योंकि ये तीसरी बार था। इन्हें कुछ भी करके रोकना होगा जॉन को। ऊपर से पब्लिक भी गवर्नमेंट से नाराज है, वह एक पर एक चाल चल रहा है और गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पा रही। रॉबरी के दौरान जॉन की एक आदमी की नज़र पड़ गई एक पुलिस वाले पर, ये अंधाधुंध फायरिंग करने लगे। उधर से भी फायरिंग होने लगी, चारों तरफ मच चुकी थी अफरा तफरी। इस हमले में जॉन की एक आदमी को गोली लग गई, उसे बचाने के चक्कर में जॉन के हाथ पर भी गोली लग गई। इन्हें एहसास हो चुका है ज़्यादा समय तक ये टिक नहीं पाएंगे। जॉन भी हो चुका था जख्मी, इसलिए उसके साथी जबरदस्ती उसे उठाकर ले गए अपने अड्डे पर। उन्हें लगा कि उनका साथी मर चुका है जिसे लगी थी गोली, लेकिन वह था अभी भी जीवित। ये जब अपने अड्डे पर पहुंचे तो जॉन के हाथ का मलहम पट्टी किया गया। अब धीरे धीरे इनके पास से पैसा भी खत्म होता रहा। इधर ये लोग काफ़ी परेशान हैं, तो दूसरी तरफ जॉन का साथी जो हमले में बच गया था जीवित, उसे FBI के लोग टॉर्चर करके पूछ रहे हैं जॉन के बारे में। काफ़ी टॉर्चर करने के बाद आखिरकार वह बता दिया कि आखिर कहाँ है जॉन का अड्डा। ये कुछ ही देर में वहाँ पहुँच गए। पहुँचते ही अंधाधुंध फायरिंग करने लगे। गोलियों की आवाज़ सुनते ही जॉन को भी एहसास हुआ कि पुलिस पहुँच चुकी है यहाँ। अब दोनों तरफ से फायरिंग होने लगी। आखिर में जॉन को अपने साथियों के साथ भागना पड़ा वहाँ से, पर इस भागा भागी में जॉन के सभी साथी मारे गए, जिसमें से एक था जख्मी। उसे लेकर जॉन भागने लगा, पर वह अभी ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रह सकता, इसलिए उसे भी वहीं छोड़कर जाना पड़ा। यहाँ से निकलकर वह सीधा बिली से मिला। यह फैसला किया सुबह होते ही शहर छोड़ देंगे। सुबह होने पर बिली जब सामान लेने के लिए गई कमरे में, अचानक से पुलिस वहाँ पर भी आ पहुँची, पकड़ ली उसे। पर इन्हें नहीं पता कि उसके साथ है जॉन। जॉन इस बार कुछ नहीं कर पाया, पुलिस उसे ले गई। कुछ दिन बाद जॉन का वकील आकर उन्हें एक लेटर दिया जिसे लिखी थी बिली। वह चाहती है कि जॉन उसे बचाने न आए, क्योंकि जॉन पहले से ही बहुत सारे खतरे को मोल ले चुकी है। जॉन कुछ दिनों तक शांत रहा, बसता रहा लोगों की नज़रों से, लेकिन अब उसका आखिरी समय आ चुका था। जब एक दिन थिएटर में गया फिल्म देखने को, वहाँ पर भी पुलिस पहुँच गई। इस बार भी भागने की कोशिश किया, मगर ऑफिसर्स उसे शूट कर दिया। इस तरह जॉन डिलिंगन अपनी आखिरी सांसें लिया। उसके मरने के साथ उसका खौफ भी दूर हो गया इस शहर से। तो यह थी स्टोरी पब्लिक एनिमी की। फिलहाल मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।